आप नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। भाजपा और आप एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि किंग पिंग अभी बाहर हैं, किंग पिंग का भी नंबर आएगा। ठाकुर ने कहा कि लोग अरविंद केजरीवाल पर हंस रहे हैं कि उनके चेहरे पर तनाव देख रहे हैं, जिसके उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री जेल में हों, लेकिन किंग पिंग बाहर है। किंग पिंग का नंबर आएगा। जिस जिसको अरविंद केजरीवाल ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते हैं, वे एक साल से जेल में हैं। उल्लेखनीय है कि ईडी ने अबकारी घोटाला मामले में बुधवार को आप सांसद संजय सिंह के घर पर छापा मारने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इससे पहले सीबीआई ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी इस मामले में गिरफ्तार किया था। वह फरवरी से जेल में बंद है। आप नेता सत्येंद्र जैन को भी गिरफ्तार किया गया था। खराब स्वास्थ्य के कारण उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है। इसी तरह 16 माह में 3 दिग्गज आप नेता गिरफ्तार हो चुके हैं। पार्टी का दावा है कि यह सब साजिश के तहत किया जा रहा है।